हाय गाइस, आज हम लेकर आए हैं पनीर मसाला की रेसिपी। बिल्कुल लग रही है ना ढाबे जैसी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में तेल डालेंगे, उसके बाद पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे। इसके बाद इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे और कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। अब हमने इसमें बारीक कटे हुए प्याज को डाल दिया है। प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। बिल्कुल अच्छे से आराम से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। इसमें हमने चार मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इसमें 6-7 लहसुन की कलियां ली हैं और इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया और 6 से 7 लाल मिर्च ली हैं। इसे अच्छे से पकने दें। टमाटर जितना अच्छे से पकेगा उतनी अच्छी सब्जी बनेगी। तो 5 से 6 मिनट के बाद फिर से हम इसे चला लेते हैं। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे, जैसे कि 2 चम्मच धनिया का पाउडर, आधे चम्मच हल्दी पाउडर। बस इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है और इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दें। इसे फिर से ढककर पकने दें। ये बिल्कुल पक चुका है। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है साइड साइड से। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी से स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है। मसाले को जितने अच्छे से पकाएंगे सब्जी उतनी टेस्टी बनेगी। इसीलिए पेशेंस रखें और अच्छे से टेस्टी सब्जी बनाकर खाएं। मसाले लगभग भुन चुके हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। 5 से 6 मिनट तक इसे ढककर पकने दें। लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब देखिए हमारी ग्रेवी कितनी सुंदर लग रही है देखने में। अब इसमें पनीर के क्यूब्स डाल दें और सिर्फ 4 से 5 मिनट ही पकने दें। पनीर को अगर ज़्यादा पकाएंगे तो वो रबर की तरह टाइट हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है और इसे अब ढक कर 5 मिनट तक पकने दें। 5 मिनट हो गया है। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना सब्जी, बिल्कुल ढाबे की तरह लग रही है। घर पर आप बनाएं और टेस्टी टेस्टी सब्जी खाएं। यहाँ पे मैंने कुछ कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये लगभग बन ही चुका है सब्जी। देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कर